समाज के पहले किसी साल का डाटा पहले वो डिक्लेयर करें, उसके बाद इधर का डाटा तैयार करें। इधर तो कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उधर तो कार्रवाई नहीं हो रही थी। एक अन्य मार्ग में समझौता होता था तो 2005 के पहले या जब भी उनकी सरकारें थी उस समय का डाटा वो अगर पेश करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कंपेरेटिव स्टडी हो जाती तो अच्छा रहता। आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात करीबन 8 महीने बाद पुराने सचिवालय में होती है, और उसके बाद तेजस्वी यादव है जो क्राइम बुलेटिन है वो जारी कर दिए हैं ट्विटर पर। और इसी को लेकर जब सवाल किया गया जो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए 2005 से पहले जो क्या कुछ होती थी वो बुलेटिन तो जारी करे तेजस्वी यादव, पहले तो एक अन्य मार्ग से सेटलमेंट होता था, अभी तो कार्रवाई भी होती है। और वहीं जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार बिहार में एक्टिव दिख रहे हैं, इसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले सुनो उनकी बातों को। अरे तेजस्वी यादव ने डाटा जारी किया है क्राइम का, ये पटना के बिहार में यहाँ ये हत्या हुई, यहाँ हत्या हुई, कैसे देखते हैं? नीचे कीजिए तो ना। 2005 के पहले 2005 के पहले किसी साल का डाटा पहले वो डिक्लेयर करें, उसके बाद इधर का डाटा तैयार करें। इधर तो कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उधर तो कार्रवाई नहीं हो रही थी। एक अन्य मार्ग में समझौता होता था तो 2005 के पहले या जब भी उनकी सरकारें थी उस समय का डाटा वो अगर पेश करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कंपेरेटिव स्टडी हो जाती तो अच्छा रहता। अच्छा, बंगाल सरकार ने रेप के खिलाफ एक बिल पास किया, क्या लगता है ये पहले हो जाना चाहिए? वो दिखावा किया है, उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, महिला है, महिला के साथ दुराचार हुआ है, अब वो भी मानती है कि गलती हुई है। केस या ये जो कानून पास हुआ है, कानून में आजीवन सजा की बात आई है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के रेप के कांड में और मर्डर कांड में हत्या ही होनी चाहिए, मतलब कि फांसी होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो वो कानून कुछ कम करके दिखलाया गया है क्रिमिनलों को बचाने के लिए। 2025 के चुनाव में आप प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हैं? प्रशांत किशोर अभी हवा में हैं, देखिए कहाँ जाते हैं वो। भारत के सभी लोग एक हो इस पर हम विश्वास करते हैं, और भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है, इसलिए ये कहना कि कौन कहाँ क्या है, कोई अगर कहता है तो गलती। आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी किस तरह से प्रशांत किशोर के लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए धर्म निरपेक्ष है भारत और सभी लोग लड़ते हैं, लेकिन 2025 के बाद वो कहाँ रहेंगे कोई कोई मालूम नहीं है। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक विधेयक लाया है वहाँ रेपिस्ट को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने सुना? इस तमाम खबरें न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।